के हवाले से मजीद भी जानेंगे। अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं, सिंध असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन को रिहा कर दिया गया है। उनको गडाब थाने से कराची सीपीओ दफ्तर भी मुंतकिल कर दिया गया था। ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाई अमल में आई है और इस हवाले से अहकाम जारी किए गए थे वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से, और अब उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है। उनको गडाब थाने से कराची सीपीओ दफ्तर मुंतकिल किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। मंजर रिजवी से मंजर अपडेट कीजिएगा, मुंतकिल कर दिया गया है, पहुंच चुके हैं वो सीपीओ ऑफिस? जी, सीपीओ ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनकी उनको दफा 297(2)(b) के तहत जो है रिलीज ऑर्डर उनके आ गए हैं। और एडिशनल आईजी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था उनको रिलीज कर दिया गया है। कुछ ही देर में ख्वाजा इजहार जो है आरजी मरकज में पहुंचेंगे। आपसे कुछ देर पहले जो है सलमान मुजाहिद बलोच जो है एमपीएम के रुकने कौमी असम्बली भी है पाकिस्तान के, उनका की उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध के मशकूर हैं और जो जो नोटिस लिए गए हैं उसमें अमल दरामद होना चाहिए, हमें उम्मीद है वजीर आला जो है पूरा अमल दरामद कराएंगे और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मंजर इस भी अपडेट कर रहे थे।